शशि और सामने पहली मर्तबा हनी शशि जो कि काफी लंबे स्टार्ट के साथ और अंपायर्स अपने अपने छोर संभाले हैं। विनोद मेहता को पार किया, ये गेंद वहां पे गेंद को खेला, गेंद ऊपर लेकर ऊपरी किनारे ले चुकी, गेंद जा रही है पेड़ों की तिरका में 6 रन के लिए। तो आते ही वही काम को अंजाम दिया, एक ऐसी गेंद जो कि हनी के पहले से एक मरतबा फिर से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पर गेंद को खेला और गेंद एक खिलाड़ी के हाथों में। और इस बीच बहुत ही जबरदस्त शॉट गेंद थी अमेरिका से बाहर 6 रन के लिए। तो यहां पे हनी के पहले से निकलते हुए दूसरा छक्का, तो हमारे साथ साथी कमेंटर मेहता जी, हम इनका भी स्वागत करते हैं और हम बारी बारी से इस मैच का लाइव प्रसारण और चेयर की टीम का अगर हम स्कोर बताएं इस समय 13 रन जो कि हनी के पहले से निकले हैं। तो पहली मर्तबा वहां पे तैयार होते हैं बाबू भाई। जी धन्यवाद ठाकुर जी। तो पहली गेंद यहां पे फेस करी और फिक्स रन 2 में ये गेंद गई, तो 2 रन यहाँ पे प्राप्त करेंगे पहले ही गेंद पे। तो दोनों ही टीम देखते हैं कि किस तरफ ये मैच जाता है। जहां तक की बात करूं, पहला ये ओवर है और पहली सफलता, और ये सफलता इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरे ओवर की पहली गेंद को छोटे से रन पर आना पूरा करते हुए पटकी हुई गेंद, पहली गेंद गेंद को खेला बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए। तो पहली गेंद फिर से जा पहुंचा 21 के ओवर पे, हालांकि अभी दूसरा ही ओवर पट्टी पे है। गेंदबाज अगली गेंद लेके ये गेंद फिर से प्लेसमेंट देखी शॉट में, खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। जिस तरीके का ये शॉट खेला था, प्लेस किया, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई हनी के बल्ले से, इस शॉट की यहां बिल्कुल जी हां सभी तारीफ करते। तीसरी गेंद और तीसरा खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। 3 गेंदों में यहां पे 3 छक्के लग चुके हैं। देखते हैं कि आने वाली 3 गेंदों में यहां पे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं हनी, और बड़े स्कोर की तरफ यहां पे जाती हुई जियो की टीम। अगर इसी तरह की यहाँ पे हनी को गेंदबाजी की जाएगी, कुछ उसी तरह की यहाँ पे यादें ताजा करते हुए, और चौथी गेंद हालांकि उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ लेकिन फिर भी बाउंड्री लाइन को जी हाँ बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके चार हो रही है। गेंद को मैदान में रुकने ही नहीं दिया जा रहा है, लगातार बाउंड्रीज अर्जित करते हुए यहाँ पे हनी, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई गेंद फिक्स जोन में जाती हुई 1 रन की दौर, 1 रन का इजाफा होता है स्कोर में। इस एक के सहायता से स्कोर जा पहुंचा 38 के ओवर पे। अगर हम हनी की बात करें, हनी ने और टोटल स्कोर है 38 रन, तो इससे बढ़िया बल्लेबाजी और क्या हो सकती है। 38 रन बने हैं और 36 रन हनी ने बना लिए, तो अकेले ही अपना जबरदस्त शॉट फिर से पेड़ों की दीर्घा में जाती है गेंद, देखना है अंपायर का इशारा 4 रन का। तो इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 40 के योग पे। अब धैर्य से खेलना होगा और आसानी के साथ यहां पे रन बन रहे हैं। और इस बीच गेंद को खेला, बहुत ही अच्छी गेंद, पिछले गेंदबाजों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और यशपाल चले, बहुत ही अच्छी गेंद। और जहां तक यशपाल और बाबू भाई की बात है, ये दोनों ही एक टीम के खिलाड़ी है, लेकिन आज ये दोनों इस टीम में बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं और गेंदबाजी देखते हैं किस तरह की। जब अभी तक कुल मिला के बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, और इस बीच ये गेंद को खेलना चाह, 1 रन का इजाफा होता है स्कोर में, स्कोर है। अब यशपाल देखते हैं क्या हनी का विकेट ले पाते हैं नहीं। गेंदबाजी दौड़ने शुरू किया, ये गेंद वहां पे फिर से फिक्स जोन में आती हुई, 2 रन का इजाफा होता है स्कोर में। इन दोनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 45 की ओर पे, और जिसमें कि
42 रन हनी ने अकेले बनाए, तो लगभग अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं, जिस तरह की पिछले दो ओवर घटे हैं तो उसमें 42 रन बने थे। और इस बीच यश पांडे द्वारा शुरू किया गया, बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से छिकाया बल्लेबाज को यशपाल, राइट आर्म राउंड द विकेट अंतिम बार। और इस बीच वहां पे शॉर्ट पिच गेंद थी, जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा मिली, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। और 44 रन बना के खेल रहे हैं अब हनी, अगर छक्का होता तो 48 रन बना के खेल रहे होते हैं। अब 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर है इस समय 47 रन, 3 रन पीछे है वहां पे। इन्हें अपनी टीम में जिस तरह की बल्लेबाजी, आप क्रिकेट देखिए, आप क्रिकेट अगर देखने आए हैं किसी बीच गेंद खूबसूरत गेंद हल्का तो सीखे यहाँ पे चांस भी था रन आउट का, और जो भी गेंदबाज गेंदबाजी पे है ये गेंदबाज अपने इंडिया के लिए खेल चुके हैं। तो योग मंडल सावंत आपका हार्दिक स्वागत करता है इस मंच पे, और सामने होंगे बल्लेबाज हनी। तो सम्मान दिया हल्के हाथों से खेला तो पे डटे हैं, और खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, और शतक के भी अपने नजदीक पहुंचते हुए देखते हैं कि आने वाली गेंदों में हनी अपना अर्धशतक पूरा कर पाते कि नहीं। अरे गेंद एक अपनी खूबसूरत गेंदबाजी, और ये भी इस परिस्थिति में, क्योंकि हर गेंदबाज यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर दे रहा है, लेकिन इस तरह की गेंदबाजी अगर एक गेंदबाज कर सकता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अच्छे खिलाड़ी, और आज उतनी अच्छी गेंदबाजी इस खूबसूरत बॉल दिखाते जी। हाँ और अभी तक मात्र 2 रन खर्च करें, तो आप गेंदबाजी देखिए इस गेंदबाज की, अरे गेंद फिर से खूबसूरत गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान, एक सफल ओवर में कहूंगा समाप्त होता हुआ। और इसी तरह की यहाँ पे कुछ गेंदबाजी करनी होगी, 53 रन, और सामने हनी जो कि एक रन पीछे अपने अर्धशतक से। गेंदबाज यश पांडे दौड़े शुरू किए, गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, और गेंद को खेला गेंद जारी, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तो वहां पे अपना अर्धशतक भी पूरा करते हुए हनी, और तालियों से स्वागत करते हुए वहां पर सभी दर्शक और सभी खिलाड़ी, और हो भी क्यों ना उसी का परिचय देते हुए वहां पे बीच मैदान में। और गेंद को खेला, बहुत ही क्लास शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, और वहां पर गति तो यश पांडे दी थी इस गेंद में, और मात्र दिशा दी वहां पर हनी ने, और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रन की। हो सकती है 65 में 61 रन बनाना, बहुत बड़ी बात है। इस बीच वहां पर गेंद को खेला, और गेंद एक लड़की के हाथों में, और स्कोर पहुंचा इस समय 67 के ओवर पे। यश पांडे एक बार फिर से दौड़ने शुरू किया, और बहुत ही जबरदस्त शॉट, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन, ओवर पिच गेंद थी, और मात्र दिशा दी इस गेंद को हनी ने, और गेंद को एक बार फिर से पेड़ों की दीर्घा में पहुंचाया इस छक्के की सहायता से, स्कोर जा पहुंचा इस समय 73 रन। और जितने दूर हनी की बल्लेबाजी का लुत्फ उठ रहा है, और इस बीच गेंद दीवार से टकराने के बाद वापस मैदान में आती हुई, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से यशपाल चले, ये गेंद लेफ्ट स्टंप को छोड़ती हुई निकली वहां पर। इस मैच में अगर थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी करते हैं बचे हुए 3 ओवरों में अगर, और इस बीच गेंद को खेला है, गेंद जा रही है पेड़ों के बीचों बीच, और वहां पर वापिस मैदान में आती, और आउट, जहां पे 6 रन देने चाहिए थे वहां पे दुर्भाग्य गोंग में, और भाग्य गोंग में यहाँ पे बल्लेबाजी पे नए बल्लेबाज। और जी हाँ, जितने भी ऐसी सामत पेज पे हमें इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। एक खूबसूरत शॉट हनी के बल्ले से 6 रनों के लिए, देखते कि आज हनी इस खूबसूरत मैदान में अपना शतक लगा पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए हर गेंद के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी क्रिकेट प्रेमी इस बल्लेबाजी का आनंद ले। एक और खूबसूरत शॉट, गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, तो बैक टू बैक बाउंड्री हनी की बल्ले से निकलती हुई। अब देखते हैं कि आने वाली गेंदे किस तरह से यहाँ पे हनी का मुकाबला करती है। इस वक्त हनी का यहाँ पे मुकाबला करना होगा, क्योंकि
अभी जरूरत नहीं दूसरे बल्लेबाजों को, मौका नहीं दे रहे हैं इस तरह की यहाँ पे बल्लेबाजी करें। इसी बीच अगली गेंद, फिर से खूबसूरत शॉट, गेंद फिर से बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई, निश्चित तौर पे 2 या 4 रन इसमें भी प्राप्त होंगे। जी हाँ, फिर से 1-4, बैक टू बैक बाउंड्री, पिछले ओवर इस वक्त चेयर का 88 रन, 2 गेंद अभी भी शेष इस ओवर की, सामने होंगे बल्लेबाजों ने। ये गेंद फिर से खूबसूरत शॉट, फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ, 6 रनों के लिए। जी हाँ, अब अंतिम गेंद शेष है और शतक के नजदीक जाते हुए, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूं हर गेंद में हर बड़े शॉट के साथ अपने शतक के नजदीक जा रहे हैं, देख पाते हैं कि आज इस मैदान में अपना हनी पहला शतक लगा पाते हैं कि नहीं। अरे गेंद, फिर से एक खूबसूरत शॉट, फिर से बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं हनी अपनी टीम के लिए। और अगर हम स्कोर की बात करें तो इस समय टोटल स्कोर है 98 रन, जबकि 92 रन अकेले हनी ने बनाए, तो इससे जबरदस्त बल्लेबाजी क्या हो सकती है। तो सभी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, बहुत ही जबरदस्त मैच चलते जा रहा है, वहां पर रन आउट की चांस हो सकता है, देख ले यार वहां पर हनी जबरदस्त रनिंग करते हुए, एक समय में लग रहा था कि कहीं दूर रह जाएंगे, लेकिन वहां पर पड़े हुए कदम। टोटल स्कोर है 99 रन, 100 रन से 1 रन पीछे और 8 रन पीछे है हनी वहां पे अपने शतक से। इस बीच गेंद को खेला और गेंद जा रही है बल्ले को ऊपरी किनारे लेती हुई, देखना है वहां पे कैच भी ड्रॉप होता हुआ, लगातार 2-4 गति पे है, यहां से बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ पड़ सकती है यहां पे चौक की टीम। और इस बीच वहां पे गेंद को खेला और गेंद जा रही है एक खिलाड़ी के हाथों में, और दोनों खिलाड़ी अब अजय एक मरतबा फिर से सामने तैयार होते हैं और गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार के विकेट पहुंची है गेंद, वहां पे गेंद को खेलना चाह और फिर से रन के लिए भागना चाह, लेकिन यहां पर इस समय जरूरत है तो वो स्ट्राइक रोटेट करे जिस काम के लिए उनको भेजा गया, और बखूबी खड़े भी उतरे हैं। और अभी तक उनका अगर हम व्यक्तिगत स्कोर बताएं 93 रन पे खेल रहे हैं, और इस बीच बहुत ही जबरदस्त कैच और आउट था और चांस गवाया वहां पर एक खिलाड़ी ने, अन्यथा वहां पर हनी 92 के योग पे आउट हो जाते हैं। और अब व्यक्तिगत उनका स्कोर है 93 रन। और इस बीच वहां पे गेंद को खेलना था और बहुत ही जबरदस्त प्रयास, वहां पर हाथ से बहुत तेज तार किस्म का शॉट था ये, और शायद वहां पे हल्की सी चोट भी आई होगी गेंदबाज को। एक फील्डर को मंगवाया गया है, एक्स्ट्रा फील्डर, 360 का आंकड़ा पार करती है। और इस बीच वहां पे गेंद को खेला और गेंद जा रही है उधर, देख रहे हैं गेंद फिक्स जोन में जाती हुई, 2 रन मिलते हुए वहां पे। इस समय लाइव दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, लगभग 450 के करीब इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, तो हम इनका वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं कि इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ। और इस बीच हनी एक बार तो फिर से सामने तैयार होती है और गेंद को खेला, गेंद जा रही है उधर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, देख रहे गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रन के लिए, तो वहां पर 6 रन का आंकड़ा पार करते हुए वहां पर, और तालियों के साथ स्वागत करते हुए, और युवक मंडल सावत की तरफ से उनको 500 रुपए का इनाम आता हुआ हमारे पास। तो हनी ने यहां पर अपना उनका व्यक्तिगत स्कोर है इस समय 101 रन, देखते हैं गेंदबाज ने दौड़ शुरू किया, वहां पर पहले का भारी किनारे लेती हुई गेंद जा रही उधर, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदले, इसे एक साथ से स्कोर जा पहुंचा इस समय 109 रन, और जबकि इसमें 102 रन अकेले हनी ने बनाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। मात्र 7 रन, वो तो कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं। और इस बीच वहां पे एक शॉट, शायद बल्लेबाज ने सुन लिया हमारी बात, हमारी बात उनके कानों तक पहुंची है कि हम भी क्यों ना एक छक्का अर्जित करें अपनी टीम के लिए, नहीं तो पूरा का पूरा भार। 2 गेंदे आनी शेष है, अनिल सामने तैयार, इस बीच गेंद को खेला रहे हैं वहां पे बल्ले का बारी किनारा लेती हुई और आउट।
एक बार फिर से तैयार होते हैं और सामने गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, पार को पार के विकेट पहुंची है गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद कहूंगा मैं ये, और एक बार एक रन का इजाफा होता है स्कोर में। तो एक समय में मेहता जी जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी हनी के द्वारा, अगर और बल्लेबाजों ने थोड़ा सा सहयोग किया होता तो निश्चित तौर पर यहाँ पे स्कोर 130 या 40 होता, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी किफायती गेंदबाजी कहूंगा मैं।